यस बैंक को बोर्ड ने 10,000 करोड़ जुटाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ये रकम बैंक इक्विटी और डेट के जरिए जुटाने की योजना है। साथ ही बोर्ड ने एर्विन ब्राइच के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि बोर्ड की अगली बैठक में साइटेक्स के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। जी हाँ, येस बैंक के लिए एक बड़ी खबर। एक बोर्ड मीटिंग हुई और जैसा उम्मीद की जा रही थी कि येस बैंक बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की जो बोर्ड बैठक थी वो मंजूरी दी बोर्ड ने। 10,000 करोड़ रुपए अब येस बैंक आगे कुछ महीनों में जुटाने की बात कर रही है और इसको जुटाने के लिए QIP, GDR, FCCB या ADR के तहत प्राइवेट प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और इसके लिए बोर्ड अप्रूवल मिल गई है। दूसरा, शेयर होल्डर्स अप्रूवल के लिए आप देखेंगे कि EGM एक बुलाई जाएगी जो कि ये मंजूरी देगी पैसे जुटाने की जो बात हुई है। इसके अलावा जो एक बहुत अहम बात की गई है इस बोर्ड बैठक में वो है जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं येस बैंक में वो उनके जो प्रपोजल थे, स्पेशली अगर आप देखें तो अरविंद सिंह ब्रिज और SPGP होल्डिंग्स का जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट था उस पर बैंक को इस बोर्ड मीटिंग में ये चर्चा हुई क्योंकि उनको एक अपडेटेड प्रपोजल मिला जिसकी वैलिडिटी 31 जनवरी 2020 तक की थी। बैंक ने ये डिसीजन लिया और बोर्ड ने डिसीजन लिया कि वो ये ऑफर आगे नहीं लेके जाएंगे। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनका जो प्रपोजल है वो अब नहीं डिस्कस होगा, वो एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब क्या, किस पर काम कर रहे हैं, कौन से पोटेंशियल इन्वेस्टर है जिससे येस बैंक बात कर रही है, इसमें बात की है। बोर्ड ने बोला है कि वो फेवरेबली कंसिडर करेंगे जो ऑफर दिया गया है सिटैक्स होल्डिंग्स के द्वारा एंड सिटैक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप। $500 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सिटैक्स ग्रुप की तरफ से आया है उस पर डिसीजन लिया जाएगा, मगर वो अगली बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, नेक्स्ट हियरिंग में ये बात होगी। बट जो पहला इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया आपको अरविंद सिंह ब्रिज और SPGP इनके इन्वेस्टमेंट को बोर्ड ने नामंजूरी दी है और सिटैक्स होल्डिंग्स के $500 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को बोर्ड अब अगली मीटिंग में डिस्कस करेगी। तो एक अच्छी खबर येस बैंक के लिए आते हुए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना और पोटेंशियल इन्वेस्टर की बातचीत अगली मीटिंग में। शुक्रिया स्वाति इस अहम जानकारी के लिए। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने शुक्रवार को अपने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कैसे रहे इंफोसिस के नतीजे, विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट कुशल गुप्ता। जी, तो इंफोसिस के नंबर्स जो हैं वो हमारे अनुमान के हिसाब से ही आते हुए नज़र आए हैं। जो तीसरी तिमाही के नंबर्स इन्होंने घोषित किए हैं, इनफैक्ट अगर आप इनकी डॉलर आय देखेंगे तो वहाँ पे हम अनुमान करके चल रहे थे करीब 1.2 से 1.4% तक की डॉलर आय हो सकती है। कंपनी ने 1% की डॉलर आय रिपोर्ट की है। इसके अलावा अगर नंबर्स में देखें तो वहाँ पे मार्जिन्स देखिए 21.7 से पढ़कर 21.9% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। अनुमान था 22.4% का, तो मार्जिन्स के लिहाज से थोड़ी सी कम आई है हमारे अनुमान से। पर अगर आप मुनाफा देखेंगे तो वहां पे आप देखिए 4457 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। हालांकि इसमें जो अन्य आय का कंपोनेंट है वो भी जुड़ा हुआ है, करीब 200 करोड़ रुपए की बढ़त इनके अन्य आय में देखी गई है। पर ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से अनुमान के हिसाब से ही दिख रहे हैं। पर आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नोट करनी है। कंपनी ने अपनी जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसको 9-10% पहले था बढ़ाकर 10-10.5% कर दिया है, तो वहां पे काफी पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई नजर आई है। और साथ ही जो विसल ब्लोअर मामले पे जो ऑडिट कमेटी जांच कर रही थी वहां पर ऑडिट कमेटी की तरफ से ये क्लियरेंस आ गया है कि कहीं भी मैनेजमेंट ने कोई भी मिसकंडक्ट नहीं किया है और साथ साथ कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी नहीं पाई गई है, किसी की तरफ से भी ये गड़बड़ियां नहीं की गई हैं। तो ये जो दो क्लैरिफिकेशंस आए हैं, एक तो रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाना और साथ साथ ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट आई है इन्वेस्टिगेशन पर, वो डेफिनेटली इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल इस अहम जानकारी के लिए।